ए निधि, आज मैंने तेरी फेवरेट छोले भटूरे की सब्जी बनाई है और पुलाव भी बनाया है। पुलाव जो तेरे को बहुत पसंद है ना, वो जब भी तू गुस्सा होती थी ना तो ये बनाती थी तो खुश हो जाती, और बचपन से ही तेरी ये फेवरेट डिश रही है। जब भी गुस्सा होती थी तो तेरी नाराजगी दूर हो जाती थी, ये बना के रखती थी। तो मम्मा ये सब छोड़ो आप, मुझे ना 3000 रुपए चाहिए। अरे पिछले महीने ही तो दिए थे मैंने फीस के पैसे और एक न्यू ड्रेस खरीदने के लिए। मम्मा मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे पैसे भी चाहिए। अरे बेटा तुम्हें तो मालूम है अभी ये 25 तारीख हो गई है, महीना एंड है, सारे पैसे खर्च हो गए हैं, अभी तो इतने पैसे नहीं दे पाऊंगी। बेटे अभी एक महीने रुक जाना। मम्मा लेकिन मेरी फ्रेंड का बर्थडे तो आज है ना, अगले महीने गिफ्ट देके क्या करूंगी? और आपका ना हमेशा का यही रहता है, हमेशा पता है आपको मेरी फ्रेंड्स सारी फ्रेंड कितने एंजॉय करती है, कितने खर्चा करती है, हमेशा पार्टियां करती रहती है, मुझे है ना हमेशा आपकी वजह से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अरे बेटा मैं कोशिश कर रही हूँ ना। बस मम्मा अगर बच्चों की विशेष पूरी नहीं कर सकते तो फिर बच्चे पैदा क्यों करते हो? बेटा ऐसा क्यों बोल रही हो, जो तुम बोलती हो वो सभी लगभग हम पूरा कर देते हैं। अपना रहने दो, अब मैं जा रही हूँ। बेटा अपना ध्यान रखना। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, अपना ध्यान रख सकती हूँ। अरे आजकल के बच्चे। अरे इतनी देर हो गई, निधि अभी तक नहीं आई है, 9 बजने वाली, मैं फोन लगा के देखती हूँ कहाँ है। अरे फोन भी नहीं लग रहा, स्विच ऑफ आ रहा है, क्या करूँ। अरे इतना लेट आई है तू। मम्मा मैंने आपको बताया था ना मैं लेट हो जाऊंगी, और फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अरे इतनी लेट हो गई हो, माँ हूँ ना, चिंता तो होती है, फोन लगा रही हूँ फोन स्विच आ रहा है, तेरे किसी फ्रेंड्स का भी नंबर नहीं है मेरे पास, कितनी दिक्कत हो रही है मुझे। मम्मा मुझे ना छोटे बच्चे जैसे ट्रीट करना बंद कर दो, मैं छोटी बच्ची नहीं रह गई हूँ। वो खटारा फोन ना घर पर ही पड़ा होगा, पता है आपको मेरी फ्रेंड्स के पास में कितने महंगे महंगे फोन है, वो फोन ले जाती तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाती। बेटा तेरा फोन खराब हो गया था तो मुझे बता तो देती। क्या बताती मम्मा, तब की मुझे पता था कि आगे से क्या जवाब आने वाला है। मैं ना इस लाइफ से बिल्कुल थक गई हूँ, काश पापा हमारे बीच होते, पापा तो थे ही नहीं, और पेरेंट्स मीटिंग में भी आप नहीं आते थे तो मुझे कितना बैड फील होता था। अरे बेटा नौकरी करना मेरी कितनी मजबूरी थी, नौकरी और घर के काम से मैं तो नहीं आ पाती थी। सॉरी बेटा तुम्हें बहुत अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन मैं क्या करती, लेकिन मैं अभी कोशिश करूंगी कि तुमको फोन लेके दूं। मम्मा आप रहने दो, आपसे कुछ नहीं होगा, आप ना हमेशा ऐसे बहाने मारते हो, मैं जा रही हूं अपने कमरे में सोने के लिए। हेलो। हाँ सोहनलाल जी मैं बोल रही हूँ, कल आपके पास आई थी, चूड़ियाँ दिखाई थी, मुझे देना है, तो आप उसका सही सही रेट लग बताइए क्या देंगे। हाँ मैडम जी, अरे वो चूड़ियाँ तो बहुत पुरानी है, मैं उसके आपको 20 या 25 हजार ही दे पाऊंगा। अरे सोहनलाल जी सोना कोई पुराना होता है क्या, मेरे को पैसे की बहुत जरूरत है, आप सही रेट बताइए कितना देंगे। अरे मैडम जी पैसे की इतनी आपको जरूरत है तो वो और किसी तरीके से भी तो पूरी की जा सकती है। क्या कहना चाहते हो? अरे मीना जी आप भी कितनी भोली हैं, मैं कब से आपको देखता आ रहा हूँ, पूरे घर का आभार आप ही उठाती हैं, आपको भी लगता होगा कि कोई तो मेरा सहारा बने। अरे सोहनलाल जी एक बात ध्यान रखिए, मैं अकेली जरूर हूँ लेकिन कमजोर नहीं, समझे ना, और तुम जैसे लोगों का सामना करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है, पुलिस थाना पास में ही है, बोलो तो पुलिस थाने में बिठा दूं। शट अप, फोन रखो और किसी दूसरे ज्वेलर्स के पास जाती हूँ। मम्मा आप मेरे लिए नया फोन लाए? हाँ। वाओ मम्मा थैंक यू सो मच। अरे तेरे चेहरे की हंसी ही तो मेरे लिए सब कुछ है।
थैंक यू सो मच मम्मा। बेटा मैं तो हमेशा तेरे चेहरे पर ऐसी ही हंसी देखना चाहती हूँ। मम्मा ये फोन तो बहुत अच्छा है। पसंद आ गया? हाँ मम्मा बहुत पसंद आया। मम्मा मैं जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स को मेरा फोन दिखाऊंगी। ले बेटा जी। थैंक यू मम्मा। मम्मा आपके हाथ बहुत खाली खाली से लग रहे हैं। आपकी चूड़ी कहाँ गई है? अरे बेटे कहीं उतार के रख दी होगी। जाओ अभी आप लेकर आओ उसे। अरे पहन लूंगी मैं, चिंता मत कर। आप कैसी बात कर रहे हो? आप अभी लेकर आओ, अभी पहनो। अरे बेटा थोड़ी सी टूट गई थी, ज्वेलर्स के यहाँ डालिए ठीक होने के लिए। अरे तू चिंता मत कर, मैं कोई दूसरी चूड़ी पहन लूंगी। नई चूड़ी आपके पास है भी? मैंने तो आपको कभी पहनते हुए नहीं देखा। चलो आप चलो जल्दी से, अपन अभी चलते हैं और अभी ज्वेलर के पास से लेकर आएंगे। अरे बेटा तू रुक, आज तो मैं थक गई हूँ बहुत, और वैसे भी चूड़ी मैंने जो है ज्वेलर्स को भेज दी है, क्योंकि तेरे को मोबाइल चाहिए था ना। चूड़ी तो मेरे यूं ही हाथ में पड़ी रहती थी, सोने की नहीं कांच की चूड़ी पहन लूंगी, उसमें क्या दिक्कत है। और तू इधर उधर जाती तो मेरे को कितनी टेंशन रहती थी, तो इसलिए फोन तो बहुत जरूरी है ना तेरे लिए। तू इधर उधर जाती है मेरे को कितनी चिंता होती है, कैसे बात करती तू अगर फोन तेरा खराब हो गया और मैं नया फोन नहीं लाती तो। मम्मा आपने फोन के लिए चूड़ी भेज दी, आपके पास और सोने की चीज कोई थी भी तो नहीं ना। अरे कोई बात नहीं बेटा, ऐसा क्यों किया आपने? और बेटा जब तेरी नौकरी लग जाएगी ना तो मुझे बढ़िया चूड़ी दिला देना सोने की। आप मुझे डांट भी तो सकते थे ना मम्मा। आई लव यू मम्मा, थैंक यू सो मच।